बीच पर। उसने गुलाब के बगीचे को देखा। बादशाह अकबर जो था वो गुलाब का बहुत शौकीन था, और वहां पर उस माली ने बहुत से सुंदर गुलाबों को एक मंजूसा टोकरी में भर करके रखा हुआ था। मथुरा के एक वैष्णव ब्राह्मण ठाकुर के अनन्य उपासक वो वहां पर पहुंचे। आज उनके हृदय पर एक ही उत्कंठा हुई, श्री ठाकुर जी को गुलाब को बंगला बनाऊंगो और श्री ठाकुर जी को सुंदर गुलाब की कलियों से दिव्य बंगला बना करके और ठाकुर को उस बंगले पर विराजमान करके फिर तत्पश्चात आरती आज इसी बंगले को निहारूंगा, इसी भावना को लेकर के पुष्प लेने के लिए गए वो। उसी समय पर जहां पनाह का पड़ाव पड़ा तो जहां पनाह ने अपने गुलाम को वहां पर भेजा तो वह गुलाम भी वहां पर पहुंचा और उसने पूछा कि इसका मूल्य कितना है। तो माली ने कहा कि इसका मूल्य तो लग चुका है, हमारे पंडित जी ने लगा दिया है। कितना लगाया है? 4 आना। उस जमाने पर आनों की महिमा। तो इस जहां पनाह के गुलाम ने कहा कि हम 6 आना देते हैं। बोलियां लगने लग गईं। बोलियां लगते लगते ब्राह्मण जो था वह 50 रुपये पहुंच गया। उसके पास थे नहीं, किंतु उसने विचार कर लिया था आज संपूर्ण सब कुछ बिक जाए, किंतु तू तो एक साधारण अधिपति का सेवक है और मैं तो जगतपति का सेवक हूं। बस इस भावना को लेकर के उसने मूल्य लगा दिया और हृदयगत प्रार्थना की, हे नाथ अब आप संकल्प की पूर्ति अवश्य करना। सच मानो वो जहां पनाह का गुलाम तो लौट गया, लेकिन बात हो गई थी, था नहीं इतना। आज संपूर्ण पुष्पों को लिया लेकर के पहुंचे, सुंदर दिव्य माला बनाई। माला बना करके जो ही अपने इष्ट को धारण करवाई है, आज इष्ट का सर झुक गया। जतिपुरा पर विराजते थे विट्ठल गोसाई जी, जो श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। आज गोसाई जी जब प्रातःकालीन सेवा करने के लिए मंदिर पर गए तो सर झुका हुआ श्रीनाथ जी का देखा, और देख करके गोसाई जी ने कहा, जय जय आज क्या बात है, आपका सर झुका हुआ है, आरती बीच में ही रोक दी। तब श्रीनाथ जी ने सर ऊंचा करके कहा, गोसाई जी आज किसी भक्त के भार से मेरा सर जो है वो नीचा हो गया है, जब तक वो हमारे समक्ष नहीं आएगा तब तक हमारा ये सर ऊंचा होगा ही नहीं। उसी समय पर गोसाई जी ने सेवकों को भेजा है और उस ब्राह्मण को समक्ष लाए हैं, और जब श्री ठाकुर जी के श्रीनाथ जी के सामने वह उपस्थित हुए हैं, श्रीनाथ जी का उसी क्षण मुखमंडल खड़ा हो गया है। प्रिय स्वजनों, गोविंद को आप यदि यहां पर श्रद्धा पूर्वक माला भी पहनाते हो ना, आपकी श्रद्धा पवित्र है, आप भावना के साथ पर आप कार्य को करते हैं ना, तो वो वस्तु वहां तक पहुंचती है, आपको दिखलाई पड़े या ना पड़े, किंतु दिखाई देने वालों को पड़ जाता है, क्योंकि गोविंद वो दृष्टि सबको नहीं देता। अरे दी देगा, तुमको भी दे देगा जिस दिन तुम इस रस में सराबोर हो जाओगे, देखने की पात्रता आ जाएगी। यदि आपकी भावना हो रही हो कि आज श्री बिहारी जी को हम जो है दिव्य बेला की माला को धारण कराएं,
जा तो सकते नहीं अभी, इतनी जल्दी पहुंचना बड़ा मुश्किल है। कई बार हम माला को लेते हैं और वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। यदि आपने वही भावना को लेकर के यदि भागवत जी पे चढ़ा देना है ना, तो वो बिहारी जी को चढ़ गई, इस पे कोई संदेह नहीं है। ठाकुर अलग नहीं है, ठाकुर एक ही है। भगवत प्राप्ति के दो मार्गों का उल्लेख किया, एक अर्चरादि मार्ग है। अर्चरादि मार्ग बहुत ही सरल साधन है, क्योंकि इस पद्धति से हम अनादिकाल से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, तो हम भी करने पर ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति का पहला साधन है अर्चरादि मार्ग, और दूसरा है धूम्र मार्ग। प्रेम से कहो राधे राधे। ये जो यज्ञादि वाला जो कार्य है ना, इसको बोलते हैं धूम्र मार्ग। देखो, जब आप यज्ञ करते हो और यज्ञ पर आप आहुति प्रदान करते हो, और जब किसी संकल्प, एक तो निष्काम यज्ञ होता है, एक सकाम यज्ञ होता है ना। ये तो कामना को लेकर के जब हम यज्ञ करते हैं, तो उस कामना के तहत जब उस यज्ञ में हम आहुति देते हैं, तो वो कामना की आहुति धूम्र के माध्यम से अनंत लोकों पर जाकर के उन लोगों का जो सुख है, वो सुख तुम्हें जीवन पर प्रदान करवा देती है। इसलिए यज्ञादि के मार्ग को धूम्र मार्ग कहा गया। इसलिए यजमान को आचार्य वहां बहुत सावधान करता है, सावधाना भवंतु, प्रत्येक आहुति कैसी गिरनी चाहिए, किस मुद्रा पे गिरनी चाहिए, कितनी गिरनी चाहिए। ऐसे नहीं मूठा उठाया है और नहीं, ये पद्धति नहीं है। आचार्य आपको पूर्व पर ही समझा देते हैं, ऐसे उसके दिशा निर्देशन पर आपने कार्य को किया, तो निश्चित रूप से वो आहुति आपकी मान्य है। और यदि आपने अपने मनमानी और कहा कि मुझे ज्यादा फल मिल जाएगा, इस भावना को लेकर के अपने आहुति को डाला, खड़े होकर के डाला, तो वो केवल खाख में हवन करना, राख में हवन करना है, वो हवन हवन नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए यज्ञादि के कार्य पे, पूजन के कार्य पे। माँ दो ही ये है, भगवान कपिल कहते हैं, मैया भगवान सुखदेव, और क्या सुनना है कि भगवान कपिल ने कहा, बस एक ही बात समझ पर आई कि प्रभो यदि किसी से कोई अर्चरादि मार्ग नहीं बन पाए और धूम्र मार्ग भी ठीक से नहीं बन पाए, तो वह एक काम अवश्य कर सकता है। किसी के पास सामर्थ्य नहीं है कि वो यज्ञ कर सके, किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आज घृत की आहुतियों से हवन कर सके, उसका यज्ञ भी पूरा हो और उसका पूजन भी पूरा हो, ऐसी कोई वस्तु है तो गुरुदेव सुखदेव बतला रहे हैं, बहुत ध्यान रखना। भगवान कपिल मैया को बतला रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें। यन्नाम धेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रभणात्य स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात् ते पुहुस्तपस्ते जुहुसस्नुरार्यः ब्रह्मानुचुर्णाम ग्रणन्ति एते तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रद्वक्त प्रोद्यतस्यात्मनि संविभाव्यम्। हे भगवन, यदि किसी से अर्चरा धूम्र मार्ग का आश्रय नहीं लिया जा रहा हो, सामर्थ्य नहीं हो, तो वह आपके नाम का जप कर ले, तो वही फल जो यज्ञ करने वाले को प्राप्त होता है, जो पूजा करने वाले को प्राप्त होता है, वही फल नाम जप करने वाले को प्राप्त हो जाता है। वह धन्य है
जिस जीव के जिह्वा के अग्र भाग पर आपके नाम का नर्तन होता रहता है, ऐसा जीव स्वपच स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। देखो एक शब्द लिखा है यहां पर क्वचित, कभी कभार, क्वचित का अर्थ है कभी कभार भी यदि आपके नाम का वो नामोच्चारण कर ले तो भी उसको यह फल मिल जाता है। कौन सा फल? बोले तेपुहु, उसने संपूर्ण तप कर लिया, तेपुहु तपस्ने, उसने जुहुनु, उसने संपूर्ण यज्ञों में हवन कर लिया, सस्नुरार्यः, उसने संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण कर लिया, ब्रह्मानुचरणाम ग्रणन्ति एते, हे भगवान जिसने आपके नाम का आश्रय ग्रहण किया, उसने संपूर्ण तीर्थ कर लिए, उसने संपूर्ण यज्ञ कर लिए, उसने संपूर्ण दान कर लिए, उसने संपूर्ण व्रत कर लिए, यह है नाम की महिमा। भगवान कपिल ने कहा मैया और क्या सुनना चाहती हो? मैया बोली बस भगवान आप आपको और आपकी इस महिमा को सुनकर के बस एक ही बात समझ पर आई है कि आपका जो नाम है वही कल्याणकारी है। जो इस कथा को सुनता है महाराज उसको गरुण ध्वज भगवान अंतिम पर लेने के लिए, सुपर्ण केतु गरुण भगवान स्वयं लेने के लिए ऐसे जीव को स्वयं आते हैं। भागवत जी पे फलश्रुति पे लिखा है बोल भागवत भगवान की, इतना प्रेम दोनों का उमड़ा कि सिद्धदा नाम की नदी बन गई। महाराज कपिल जो हैं वो गंगा सागर पर विलय हो गए, माता देवहूति का प्रेम इतना उमड़ा कि सिद्धदा नाम की नदी बन गई और वह नदी गंगा सागर पर यह उपाख्यान दिया और गंगा सागर की महिमा बहुत है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, प्रेम से कहो राधे राधे। बोल कपिल भगवान की जय हो। गुरुदेव सुखदेव कहते हैं मनु महाराज की दूसरी जो बेटी है उनका विवाह जो हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ पर हुआ, 16 कन्याएं हुई। अब थोड़ा शीघ्रता से आप श्रवण करेंगे, प्रेम से कहो राधे राधे। 16 कन्याएं हुई, 13 ब्याही गई धर्म को, प्रेम से कहिए राधे राधे। दूसरी कन्या का विवाह किया अग्नि के साथ पर, स्वधा का अर्यमा के साथ पर, और सती का जो विवाह हुआ वो भगवान शिव के साथ पर हुआ, प्रेम से कहिए राधे राधे। धर्म की जो 13 पत्नियां है ना, धर्म की कितनी पत्नियां हैं? 13। उनमें से प्रथम पत्नी का नाम मालूम है? प्रथम पत्नी का नाम है श्रद्धा। ध्यानपूर्वक 13 पत्नियों के नाम को श्रवण करें, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति, ये 13 पत्नियां हैं धर्म की। अब बहुत ध्यान देना, प्रथम पत्नी है धर्म की श्रद्धा, इसलिए श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। प्रथम दिवस हम श्रद्धा के विषय पर कह चुके हैं आपको, भक्तमाल जिन्होंने श्रवण किया होगा, भक्तमाल पर चरित्र है। समर्थ स्वामी थे और उनके शिष्य थे अंबादास। जब अंबादास समर्थ स्वामी के पास पर पहुंचे तो गुरु की निष्ठा के साथ पर सेवा करते, अन्य जो शिष्य थे ना वो उनसे थोड़ा सा चढ़ने लग गए, होता ही ऐसा है। अन्य शिष्यों को बहुत चिढ़ हो गई तो एक दिन गुरुदेव ने देखा, देख करके समस्त शिष्यों को बुलाया और कहा हमारे साथ पर चलो। जंगल पे ले गए, वहां जंगल पर एक कुआं था और कुआं के पास पर ही एक डाली थी,
वो डाली की जो पत्तियां थी वो कूप पर जाती थी और जिससे कूप का जल दूषित होता था, तो चपूतरे पर बैठ करके हम सामर्थ स्वामी ने कहा कि देखो ये डाल की पत्तियां गिरती जिससे दल दूषित होता है, एक काम करो कि इस डाल को यहाँ से काट दो। पर महाराज विचित्र स्थिति ये थी कि जो डाल को काटता वो सीधे कुएं पे जाता। सब शिष्यों की ओर गुरुदेव ने देखा, सब शिष्यों ने मुंह सिकोड़ लिया। बोले गुरुदेव जो काटेगा वो सीधे चला जाएगा, पर जो ही गुरुदेव की दृष्टि अंबादास की ओर गई, अंबादास ने अपना फेरवार बांधा, बांध करके कुल्हाड़ी लेकर के झट दीना चढ़ गए। चढ़ते ही महाराज गुरुदेव ने कहा अंबादास तुम बड़े मूर्ख लगते हो, तुमको मालूम नहीं है जिस डाली को तुम काट रहे हो तुम उसी में गिर जाओगे, मर जाओगे। अंबादास ने कहा गुरुदेव आज दिन तक गुरुदेव की वाणी से कोई गिरा है, उसका अकल्याण हुआ है कि मेरा ही होगा? और बैठ करके महाराज उस डाल को वो काटने लग गए और कटी डाल की सीधे काटते ही महाराज कुएं पे धड़ाम से गए हैं। जो ही वहां पर गए हैं वहां पर श्री राघवेंद्र सरकार ने उनको अपनी गोदी पे ले लिया। गुरुदेव के वचनों पर उसकी श्रद्धा, वो तो अन्य शिष्यों का दोष दूर करना चाहते थे। श्रद्धा का पुत्र हुआ जिसका नाम है शुभ। प्रेम से कहिए राधे राधे। श्रद्धावान पुरुष का कभी अशुभ नहीं होता है, क्योंकि श्रद्धा के पुत्र का नाम है शुभ। श्रद्धावान पुरुष का सदा शुभ ही होता है। मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया, विस्तृत चर्चा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आकुति का जो विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजा के पति के साथ पर हुआ, सती का विवाह शिव के साथ पर हुआ। पर महाराज विचित्र स्थिति ये हुई कि सती के आगे कोई वंश बढ़ा नहीं, इसलिए सती का चरित्र नहीं, क्योंकि एक बार दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ पर सभी को आहूत किया, भगवान शिव भी पधारे, उनका अपमान हुआ, रुष्ट हो गए। और भगवान शिव जो हैं 27,000 वर्ष की समाधि पर समाधिस्थ हो गए। 27,000 वर्ष तक इस राष्ट्र पर यज्ञ नहीं हुआ। 27,000 वर्ष के पश्चात जब भगवान शिव की समाधि टूटी, उसी समय पर राम का वनगमन चल रहा था। सीता का अन्वेषण करते हुए राम जा रहे थे। मां सती ने देखा, सती ने देख करके कहा शिव ने तो प्रणाम किया पर मैया ने प्रणाम? बोले सच्चिदानंद ने, ये नहीं हो सकते। सच्चिदानंद ब्रह्म कभी रोता है क्या? ये ब्रह्म नहीं है। बाबा ने कहा देवी मान लो यही ब्रह्म है, वो मानी नहीं बात। तो बोले एक काम करो अब जाकर के परीक्षण कर लो। प्रेम से को राधे राधे। हाँ परीक्षण करने के लिए गए। जो ही मार्ग पर भगवान राघवेंद्र सरकार ने देखा, देखते ही चाल से समझ गए। प्रेम से को राधे राधे। व्यक्ति का भेष या चाल उसकी बतला ही देती है। कहाँ है वृषकेतु, आप अकेले इस वन पर कहाँ विचरण कर रही हो? बतलाया महाराज छार छार हो गई। भगवान शिव के पास पर पहुंचे, कहो देवी परीक्षण कराई? महाराज कुछ नहीं, झूठ बोल गई सती, किंतु वहां सीता का भेष बनाया, इसलिए भगवान शिव ने सती का परित्याग कर दिया। त्याग करते ही भगवान ने सोचा कि यदि अब इनसे कोई संवाद किया तो निश्चित रूप से व्यवधान होगा, इसलिए भगवान नाम का आश्रय लेकर के समाधिस्थ हो गए। उसी समय पर देवता आकाश मार्ग से कनखल पर पुनः
दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, समस्त देवता उस यज्ञ में पधारे। सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधि नाना, चले जात सुंदर विधि नाना, सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके।